अमृतसर के तरन तारण रोड से ICICI बैंक के हुई लुटकांड पुलिस ने हल कर लिता है और कुछ ही देर बाद इस मामले के तीन दोषी काबू किए गए हैं। तो लखां की लुट के मामले के पुलिस को वड्डी कामयाबी मिली है। तो दसना चाहवांगे कि 7.5 लाख तो वध की रकम भी बरामद की गई, पर वड्डा सवाल है कि आखिरकार इस घटना को अंजाम किवें दिता गया, किहड़े इस तरह के लोग सी, किवें उन्होंने साजिश रची। वड्डा सवाल आया है कि किस तरीके नाल एक बैंक को लुट लिता गया। अक्सर फिल्मों इस तरह की गल्लां देखने हैं लेकिन रियलिटी हुई, लेकिन पुलिस के हाथ बहुत लंबे से, उन्होंने काबू किया गया। साढ़े नाल पुलिस की टीम जी है, तुसीं देखो कि सारे पुलिस के वड्डे अफसर और खास तौर के उत्ते कहा जाता कि दिन रात सुते नहीं, इदा की गल ठीक है सर कि काफ़ी टेंशन सी? बिल्कुल जी, जिन्नियां साडियां टीम्स आ इन्होंने दिन रात जदों तो प्लेस ऑफ अकरेंस तो लैके हुण तक 24 आवर्स कंटिन्यू काम चलिया है। और ये जिहड़े तीन दे तीन दोषी सी, असी उस दिन भी पहली स्टेटमेंट कहा सी कुछ घंटियां दे विच ही असी इहनूं ट्रेस करांगे, असी और इहनूं ट्रेस करके तीनों अरैसट किए ने और 7,70,000 दे करीब जिहड़ी अमाउंट आ असी रिकवर कर ली आ। और इन्हां दे कोलों दो पिस्टल ने, एक डम्मी पिस्टल आ, एक 30 बोर का पिस्टल आ, वह रिकवर किए आ। और जिहड़ी बाकी बची अमाउंट आ वह भी साडियां टीमां काम कर रही, छेती उन्होंने भी असी कंप्लीट कर लाँगे। हुण सब तुहाडा सवाल है कि कहानी किवें क्रिएट की, किवें इन्हां बंदियां ने एड्डी वड्डी साजिश नूं अंजाम दित्ता? देखो जी, इन्हां दे एक दो जणे दे क्रिमिनल बैकग्राउंड है ही आ, ते इह जदां एक ग्रुप टाइप इकट्ठे घूमदे सी, एक मुंडा एडिक्ट भी हैगा आ और जिहड़ा पैसे का लालच, फलैशी लाइफ स्टाइल और प्लैन इदा की कीती सी वी बैंक लुटांगे, गड्डी गुड्डी लवांगे और अगों अयाशी टाइप घूमना फिरना, मतलब ये इकट्ठा ग्रुप सी जी, यही प्लैन किया इन्होंने। पर सर बैंक लुटना एक बहुत वड्डी गल हुंदी, एक नाम ही बड़ा वड्डा हो जांदा, जिस तरह से कहने कि बैंक लुट लिता गया, तो एड्डी वड्डी साजिश नूं किवें इन्होंने योजना किवें बनाई, सब तो वड्डी गल कहानी किवें क्रिएट की? इन्हां जी देखो जी, जिहड़ा मेन इन्हां च मुंडा आ प्रिंस आ और साजन, इन्हां दोनों ने प्लैन सी, क्योंकि उहदे सराउंडिंग ही उत्थे आउंदे जांदे सी, काम भी उस एरिए च करदे, इन्हां नूं फिर आइडिया सी उत्थे, मतलब इन्हां नूं ये भी आइडिया सी भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो भी इहनूं जिथे नैचुरली है जिथे गार्ड नहीं है उन्हां नूं सॉफ्ट टारगेट लग्या है। इन्होंने फिर किवें अंदर जाके बैंक के अंदर की किया इन्होंने जाके? पहला साजन अंदर गया जी, साजन ने तो अंदर जाके उन्होंने जस्ट यही कहा मैं पैसे विदड्रॉ करने, विदड्रॉल फॉर्म लिया आया, उस तो बाद बाहर जाके उन्हें बंदियां नूं अपने इशारा करता ये गए आ, फिर एक जने ने पिस्टल कढ़िया और कैशियर को जिन्ना कैश सी वो लैके एक अपने नाल ही एक पिट्ठू टाइप जिहड़ा रक्षक हुंदा वो लैके आए सी, उस च पा के लै गए। सर इन्हां दा खाता सी उत्थे कोई इदां दी गल सामने आई? नहीं हाले तक तो नहीं, वैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही, पर फिलहाल हाले तक कोई इहो जी गल नहीं सी इन्हां दा किसी दा अकाउंट उत्थे हो। सर ये फिर घर चले गए, घर जाके कहिंदे कैश कुछ इन्हें इकट्ठा वखरा वखरा सैग्रीगेट भी किया? हाँ जी, घर गए आ, घर जाके इन्होंने कपड़े चेंज किए आ, अपने कपड़े चेंज करने तो बाद इन्होंने तिना ने अपने आप फिर पैसे डिवाइड किए, अलग अलग किसी ने अपने रिश्तेदार फड़ाते, किसी ने कोई अपनी मदर को छड़ गया, वो अगे कॉन्टीन्यूशन च आ ही रहा जी, वो इन्वेस्टिगेशन च आ जाएगा। अयाशी करने वास्ते किया? मतलब दोनों ही चीज़ा ने जी, अयाशी फ्लैशी लाइफ स्टाइल और एक मुंडा अडिक्ट भी है जी। हाँ वो बिल्कुल वो आई रहा साढ़े घर। सर ये पैसे इन्होंने सारे मतलब खदेड़ दिए कि किसी शक ना पवे? हाँ नैचुरली उदों ही ये वंड के अलग अलग, जिदा कोई किसी ने अपने भरा नूं देते, किसी ने अपनी मदर नूं दे गया, तो उतों पैसे डिवाइड करके बाद च फिर मूव कर गया। सर कितना मुश्किल होता है जो केस, क्योंकि एकदम रॉबरी हो जानी, एकदम हॉश पॉश भी हो जाता और पुलिस वास्ते भी एक चैलेंज बन जाता? नहीं देखो, बड़ा सेंसेशनल क्राइम होता जी, जे बैंक की आप कही भी रॉबरी है, एक सिंपल कोई खोह होनी, स्नैचिंग होनी डिफरेंट आ, सो यदा एक पुलिस से साइकोलॉजिकली असर भी होंगे और असी उन्होंने बड़ा चैलेंजिंग वे च लें और सामने ही है भी असं तो स्टार्टिंग बड़े कॉन्फिडेंट से भी असं इनू जल्दी तो जल्दी ट्रेस करांगे, असीं इनू बड़ा बिल्कुल चैलेंज लैके और बड़े अच्छे टीम वर्क के नाल, गुरिंदर वीर DSP साहब ने, नवजोत सिंह ने, मुलक उन्हां दी साडी CA दी टीम, सुखवीर सिंह ने, मतलब हर टीम ने अपने पार्ट ते, जिहदा टैक्नीकल कम सी उहने टैक्नीकल कीता, जिन्हें ह्यूमन इंटैलीजेंस कलैक्ट करनी सी उहने उह कीती, जिन्हें कोई रेड करना, मतलब बहुत अच्छा टीम वर्क सी। किन्ना कोई मन संतुष्टि मिलती है इदा दी, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल क्राइम हो जाता ना बैंक, मैं फिर गलत सर तुम भी कहा कि एक लुट होनी तो एक बैंक लुटना दोवें जमीन समान का फर्क होता? जी जी नहीं बिल्कुल जी, बड़ी सैटिस्फैक्शन आ एज पुलिस ऑफिसर जो तुम देखो क्राइम करने वाले बंदे क्राइम करी जा रहे हैं, मतलब ये तो सृष्टि जी आ, क्रिमिनल जमद ही आए आ, क्राइम भी होंगे ही आया, साढ़े लिए उदों ही सानू सैटिस्फैक्शन होंगे जो अं इदा बंद फिर
फड़ के ल्याउने आ प्रोपर रिकवरी करते हैं। हुण अगला साडा पार्ट आ वी असीं उहनूं कानून मुताबक प्रोपर उहनां दी सज़ा कराई जाए। किन्ने पैसे रिकवरी रह गई आलमोस्ट? बस आलमोस्ट 5 लाख रुपया रह गया जी, कर लाँगे। कितने रखे सब हाले मतलब टू अर्ली है जी, क्यों इह जिहा डिस्कलोज़ करना, साढ़े को है क्लूज हो जाएंगे जी। पुराने पर्चे भी नहीं है जी, मैंने हूँ उसकी डिटेल नहीं है। क्रिमिनल तो छोटे क्रिमिनल तो वड्डे क्रिमिनल बने बेसिकली जी, बनते ही आए हैं जो क्रिमिनल बेसिकली स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ते ज़्यादा। बहुत कुछ केसिस होंगे जिम्मे 10-15% क्रिमिनल जो बिल्कुल उपरों थले आते ही नहीं, मतलब उपर तो स्टार्ट होंगे, नॉर्मली आ ही जाते। लोकल होम करके उन्होंने पता सी कि इस इलाके की रूपरेख। तो सर ये जो तो भजते एक CCTV आ रही थी कि भजते जो पैदल ही भज जाते फिर एक्टिवा होंगी, वह किवें किता ना? वो बेसिकली उत्तों पैदल भजे है, अगों फिर मतलब इन्होंने व्हीकल भी यूज़ किया, फिर उतों घर गए जिते कपड़े चेंज किए। ये टीम है इस वेले तुम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस मसले को हल किया है। तो उन्होंने कहा कि दो सी उन्होंने प्लानिंग की, तो उस बाद अपने घर पहुँचे, घर जाके उन्होंने सारा जरा है पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया आपस के अपने रिश्तेदारों तक देता ताकि किसी को शक ना हो, और कपड़े भी बदल दिए गए कपड़े बदलन तो बाद जरा है ताकि किसी को शक ना हो। इस करके इस वारदात को उन्होंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जो इस बारे पता लगा तो उस बाद इस मामले के पुलिस ने 3 दोषियों को काबू किया। 7,70,000 रुपए की नकदी बरामद की है। तो लखा की लुट मामले में पुलिस ने वड्डा खुलासा किया, 3 दोषी काबू किए गए हैं। पुलिस का कहना कि अगर होर भी किसी की इन्वॉल्वमेंट हुई तो उसको भी छेती काबू किया जाएगा। कैमरामैन अर्श के साथ सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब TV अमृतसर।